यह पुस्तक पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार मेरी और हजारों दूसरे लोगों की तरह आपकी भी मदद करेंगे। दरअसल मुझे पूरी उम्मीद है यह पुस्तक आपकी ज़िंदगी बदल देगी हमेशा के लिए। आपको बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन उन सबको करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं होता। आप काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और प्रोजेक्ट्स के बोझ तले हमेशा दबे रहते हैं। आप ऐसी प्रतिक्रियाओं और पुस्तकों का ढेर लगा देते हैं जिन्हें आप सारे काम निपटाने के बाद फुर्सत से पढ़ना चाहते थे। आप कभी अपने सारे काम पूरे नहीं कर पाएंगे। आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उन सभी पुस्तकों, प्रतिक्रियाओं और फुर्सत के वक्त की गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएं जिनके आप सपने देखते हैं। ज़्यादा मेहनत करके समय प्रबंधन की समस्याएँ सुलझाने की बात भूल जाएँ। चाहे आप व्यक्तिगत उत्पादकता या मेहनत की कितनी ही तकनीकों में माहिर हो जाएं, आप उपलब्ध समय में जितना काम कर सकते हैं काम हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। और हाँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना समय उपलब्ध रहता है, लेकिन आप अपने समय और ज़िंदगी पर काबू कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने सोचने और काम करने के तरीकों को बदलना होगा। आपको जिम्मेदारियों के अंतहीन गहराई वाली उस नदी से निपटने के लिए अपने तरीके बदलने होंगे जो हर दिन आपको डुबा देती है। अपने कामों और गतिविधियों पर काबू करने का तरीका क्या है? ज़्यादातर गतिविधियों को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा काम पर ज़्यादा समय लगाएं जिनसे आपकी ज़िंदगी सचमुच में बदल सकती है। मैं पिछले 30 साल से समय प्रबंधन का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने एलेक मैकेंजी, एलन लेकिन, स्टीफन कवी और बहुत सारे अन्य लेखकों के पुस्तकों के बारे में पढ़ा है और उनके हजारों लेख पढ़े हैं। यह पुस्तक इसी का नतीजा है। जब भी मुझे कोई अच्छा विचार मिलता था तो मैं उसे हर बार अपने कामकाज और निजी ज़िंदगी में अजमाकर देखता था। अगर वह कारगर साबित होता तो मैं उसे अपने भाषणों और सेमिनार में शामिल करके दूसरों को सिखाने लगता था। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप तो बस इसे उसके भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। आपको ये विचार जाने पहचाने लगते हैं या नहीं, यह आपके ज्ञान और अनुभव के स्तर पर निर्भर करता है। वैसे आपकी स्थिति चाहे जो हो, यह पुस्तक आपको उनके बारे में ज़्यादा जागरूक बना देगी। इन विधियों और तकनीकों को बार बार सीखें। इन पर तब तक अमल करते रहें जब तक कि वे आपकी आदत ना बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सकारात्मक अंदाज में अपनी ज़िंदगी को रुख बदल देंगे। लिखित लक्ष्यों की शक्ति। मैं आपको इस पुस्तक की शुरुआत में अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़े अभावों के साथ शुरू हुई। बस एक ही इच्छा की बात थी। मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। स्कूल में मेरा प्रदर्शन हमेशा खराब रहा। नतीजा यह हुआ कि मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। फिर मैंने कई सालों तक मजदूरी की। मेरा भविष्य कतई उज्जवल नहीं दिख रहा था। युवा अवस्था में मुझे एक समुद्री जहाज पर काम करने का अवसर हाथ लग गया। बस फिर क्या था, मैं दुनिया देखने चल दिया। 8 साल तक मैंने सफ़र किया, काम किया और दोबारा सफ़र किया। यह सिलसिला ख़त्म होने तक मैं 5 महाद्वीपों के 80 देशों में घूम चुका था। जब मुझे मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स लाइन में चला गया। मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कमीशन पर काम किया। मैं सामान नहीं बेच पा रहा था और जूझ रहा था, जब तक कि मैंने खुद से यह सवाल नहीं पूछा, दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने एक ऐसा तरीका आजमाया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने सफल लोगों से पूछना शुरू किया कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी बदौलत वे मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने और ज़्यादा कमाई करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने उनकी सलाह पर पूरा अमल किया। नतीजा, मेरी बिक्री बढ़ गई। आखिरकार मैं इतना कामयाब हो गया कि मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया गया। सेल्स मैनेजर बनने के बाद भी मैं इस नीति पर चला। मैंने सफल मैनेजरों से पूछा कि कामयाब होने और असरदार नतीजे हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं। उन्होंने जो तकनीकें बताई मैं उन पर अमल करने लगा। लगभग फौरन ही मुझे भी उनके जैसे नतीजे मिलने लगे। सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की इस प्रक्रिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अब भी हैरान होता हूँ कि यह सब
कितना सरल और स्पष्ट है। बस यह पता लगा लें कि आपके क्षेत्र में सफल लोग क्या करते हैं और फिर वही काम करने लगें जब तक कि आपको वह नतीजा ना मिलने लगे। विशेषज्ञों से सीखें। वाह, कितना बेहतरीन विचार है। सफलता की भविष्यवाणी संभव है। सरल भाषा में कहें तो कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने में इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं। वे सही चीज़ों को सही ढंग से करते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर उभर कर सामने आती है। कामयाब, सुखी और समृद्ध लोग आम आदमी के मुकाबले अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। असफलता की पृष्ठभूमि की वजह से मुझमें हीनता और अक्षमता की भावनाएं बहुत गहरी थी। मैं इस गलत फहमी के मानसिक जाल में फंस चुका था कि मुझसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग वाकई मुझसे बेहतर हैं। बाद में मुझे पता लगा कि यह हमेशा सच नहीं था। वे तो बस चीज़ों को अलग तरीके से कर रहे थे। जो कार्यशैली उन्होंने सीखी थी, मैं भी उसे बखूबी से सीख सकता था। इससे मेरी आंखें खुल गई। मैं इस खोज से हैरान भी था। और रोमांचित भी। आज भी हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और लगभग हर लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते मैं यह पता लगा लूँ कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या कर रहे हैं, फिर खुद भी वही करने लगूँ। इस तरह मुझे भी शर्तीय वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिल रहे थे। सेल्स लाइन में आने के एक साल के भीतर ही मैं शीर्षक सेल्समैन बन गया, उसके एक साल बाद मैनेजर, 3 साल के भीतर वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं 6 देशों में कार्यरत 95 सेल्स पर्सन का बॉस था और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। अब तक मैं 22 अलग अलग काम धंधे कर चुका हूँ। मैंने कई कंपनियाँ शुरू की हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस डिग्री ली, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सीखी। अब तक मैं 1000 से ज़्यादा कंपनियों में वक्ता, परीक्षक या पद्मादर्शिता के भूमिका निभा चुका हूँ। आजकल मैं हर वर्ष 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने भाषण या सेमिनार देता हूँ, जिनमें कई मतलबा तो एक बार 20,000 लोग होते हैं। एक सरल सच्चाई। अपने पूरे करियर में मैंने एक सरल सच्चाई खोजी है और बार बार खोजी है। महान कामयाबी, उपलब्धि, सम्मान, औहदे और जीवन की खुशी की कुंजी क्या है? अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने से उससे अच्छी तरह और उसे पूरा करने की काबिलियत। यह सिद्धांत ही इस पुस्तक की जान है। यह पुस्तक बताएगी कि आप अपने करियर में ज़्यादा तेज़ी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी निजी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। मैंने इसमें व्यक्तिगत प्रभावकर्ता पर खुद की खोज की हुई है, जिसमें से सबसे असरदार सिद्धांत मैंने इस बुक में शामिल किए हुए हैं। ये विधियाँ, तकनीकें और रणनीतियाँ व्यवहारिक हैं, आजमाई हुई हैं और फटाफट परिणाम देती हैं। यह पुस्तक समय बचाने के बारे में है, इसलिए मैं टाल मटोल या समय प्रबंधन की मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारणों को विस्तार से बताकर समय खराब नहीं करूँगा। मैं सैद्धांतिक बातों या शोध पर ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूँगा। यहाँ तो आप सिर्फ कुछ निश्चित कदमों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप फौरन उठा सकते हैं। इनकी बदौलत आपको कामकाज में बेहतर नतीजे तत्काल मिलने लगेंगे और आप ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। इस पुस्तक में हमने जितने भी विचार दिए हैं, उन सभी की बुनियादी मकसद आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ाना है। इनका उद्देश्य आपको ज़्यादा मूल्यवान बनाना है। इनमें से कई विचारों को आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी लागू कर सकते हैं। 21 तकनीकों में से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है। ये सभी जरूरी हैं। हो सकता है किसी एक स्थिति में ये रणनीति कारगर हो और किसी दूसरी स्थिति में दूसरी रणनीति। एक तरह से ये 21 विचार व्यक्तिगत प्रभावकर्तिका तकनीकों की दावत जैसे हैं। आप इनका इस्तेमाल कभी भी किसी भी कर्म में कर सकते हैं, जो भी आपको उस पल सही लगे। सफलता की कुंजी है कर्म। ये सिद्धांत आपके प्रदर्शन और परिणामों को तेज़ी से बेहतर बनाते हैं। आप उन्हें जितनी भी फुर्ती से सीखेंगे और लागू करेंगे, उतनी ही तीव्रता से अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप हर सुबह एक मेंढक निकलना यानी
सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना सीख लेंगे तो आपकी भावी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। धन्यवाद। प्रस्तावना: हर सुबह एक मेंढक निगल लें। जीने के लिए यह बेहतर समय है। अपने लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज़्यादा संभावनाएं और अवसर आज मौजूद हैं उतने पहले कभी नहीं रहे हैं। शायद मानव जाति के इतिहास में इतने सारे विकल्प कभी मौजूद नहीं रहे हैं जितने कि आज हैं। सच तो यह है कि आज आप इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं कि विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आप जिंदगी में क्या हासिल करते हैं। अगर आप भी आज के ज़्यादातर लोग जैसे हैं तो आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते होंगे कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं लेकिन समय बहुत कम है। आप अपने काम को पटरी पर लाने के लिए लगातार जूझते रहते हैं और नए काम और जिम्मेदारियां समुन्दर की लहरें की तरह आपके तरफ आने लगती हैं। फलस्वरूप आप हर वह चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी है। आप कभी हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने कुछ शायद बहुत से कामों और जिम्मेदारियों में पीछे रहेंगे। चुनिंदा होने की ज़रूरत: इस वजह से और शायद पहले से कहीं ज़्यादा हर पल अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनना शुरू करें और अच्छी तरह पूरा करने की काबिलियत आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी उतना कोई अन्य गुण या योग्यता नहीं डालेगी। जो आम आदमी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और महत्वपूर्ण काम तेजी से पूरे करने की आदत डाल लेता है वह उस जीनियस से बेहतर नज़र आएगा जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और अद्भुत योजनाएं बनाता है लेकिन असल में करता कुछ नहीं है। इस बुक में दिए गए मेंढक का अर्थ मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल लें तो आपको दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ उस दिन इससे बुरी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। आपका मेंढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसमें आपके टालमटोल करने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। यह वही काम है जिसका आपके जीवन और उस पल के परिणामों पर सबसे सकारात्मक असर पड़ सकता है। मेंढक निकलने का पहला नियम: अगर आपको दो मेंढक निकलने हों तो सबसे पहले बदसूरत वाले को पहले निकले। यानी अगर आपको दो महत्वपूर्ण काम करने हों तो सबसे बड़े सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। खुद को इस तरह अनुशासित कर लें कि आप फौरन काम शुरू कर दें और फिर किसी दूसरी चीज़ में हाथ डालने की बजाय आप उसी काम में तब तक जुटे रहें तब तक कि वह पूरा ना हो जाए। इससे अपने लिए एक इम्तिहान माने, इस व्यक्तिगत चुनौती की तरह देखें। खुद को आसान काम से शुरुआत करने के लालच में कतई ना फंसने दें। अपने आप को लगातार यह याद दिलाते रहें कि आपको सबसे महत्वपूर्ण दैनिक निर्णयों से एक यह है कि आप कौन सा काम तुरंत करेंगे और कौन सा काम बाद में, बशर्ते आपको उसके लिए पर्याप्त वक्त मिल जाए। मेंढक निगलने का दूसरा नियम: अगर आपको जिंदा मेंढक निगलना ही है तो बैठकर देर तक उसे देखते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रदर्शन और प्रोडक्टिविटी के ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कुंजी यह है कि आप सुबह सुबह ही अपने सबसे बड़े काम से जूझने की आदत डाल लें। कोई भी दूसरा काम करने से पहले मेंढक निगलने का नियम याद रखें और हाँ, इस बारे में ज़्यादा सोच विचार करके अपने कीमती वक्त को बर्बाद ना करें, तत्काल काम करें। दुनिया में, खास तौर पर व्यवसायिक जगत में, आपको तनख्वाह और प्रमोशन किसी विशिष्ट मायने के योग्य या परिणामों के बेसिक पे मिलती है। आपको मूल्यवान योगदान मुख्यतः आपसे अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण योगदान के बदले में भुगतान मिलता है। अमल से असफलता: वर्तमान संगठनों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग गतिविधि और उपलब्धि को एक ही समझ बैठते हैं। वे लगातार बातचीत करते रहते हैं, अंतहीन मीटिंग करते हैं और अद्भुत योजनाएं बनाते हैं लेकिन अंत में कोई भी काम नहीं करता, इसलिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। सफलता की आदत डालें। जिंदगी और कामकाज में आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आपकी समय संबंधी आदतें कैसी हैं। प्राथमिकता
तय करने, टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम में जुटने की आदत एक मानसिक व शारीरिक काबिलियत है। यह आदत अभ्यास और दोहराव में सीखी जा सकती है। बार बार दोहराकर आप इसे अपने अवचेतन मन में दर्ज कर सकते हैं और अपने व्यवहार को स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। एक बार जब आदत पड़ जाती है तो यह स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हो जाती है और इसे करना आसान होता है। महत्वपूर्ण काम शुरू करने और पूरा करने की इस आदत का आपको तत्कालिक और निरंतर लाभ मिलता रहेगा। आपकी मानसिक और भावनात्मक संरचना कुछ ऐसी है कि कोई काम पूरा करने के बाद आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। आप खुश हो जाते हैं और खुद को किसी विजेता जैसा महसूस करते हैं। जब भी आप कोई काम पूरा कर लेते हैं, चाहे उसका आकार या महत्व जितना भी हो, तो आप अपने भीतर ऊर्जा, उत्साह और आत्मगौरव का सैलाब महसूस करते हैं। काम जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप खुद के और दुनिया के बारे में उतने ही ज़्यादा खुश, आत्मविश्वासी और दमदार महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण काम पूरा करने पर आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन प्रवाहित होने लगता है। यह एंडोर्फिन आपको प्रफुल्लता का उच्च एहसास देते हैं। काम पूरा करने की कामयाबी से पैदा हुआ एंडोर्फिन का यह प्रभाव आपको ज़्यादा सकारात्मक, खुश मिजाज, रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव करवाता है। अच्छी आदत डालें, यह सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताया जा रहा है। आप दरअसल एंडोर्फिन की अच्छी लत डाल सकते हैं। नतीजा यह होगा कि ज़्यादातर वक्त आपके मन में अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और सक्षमता की भावनाएं रहेंगी। जब आप यह लत डाल लेते हैं तो आप अचेतन स्तर पर अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित कर लेंगे कि आप लगातार पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और प्रोजेक्ट शुरू व पूरे कर रहे होंगे। आपको दरअसल सफलता पाने और योगदान देने की अच्छी लत पड़ जाएगी। अद्भुत जीवन जीने, सफल कैरियर बनाने और अपने बारे में जबरदस्त महसूस करने की एक कुंजी यह है कि महत्वपूर्ण काम शुरू करने व पूरे करने की आदत डालना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह व्यवहार आपके लिए खुद ब खुद सहज और स्वाभाविक होता जाएगा। फिर आपको महत्वपूर्ण काम को अधूरा छोड़ने के बजाय उनको पूरा करना ज़्यादा आसान लगेगा। किसी शॉर्टकट का उपयोग ना करें। आपको उस आदमी की कहानी याद होगी जो न्यूयॉर्क की सड़क पर एक संगीतकार को रोककर उससे यह पूछता है कि वह कार्नेगी हॉल तक कैसे पहुँचे। संगीतकार जवाब देता है, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। अभ्यास किसी भी योग्यता में माहिर होने की कुंजी है। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशियों जैसा होता है। यह इस्तेमाल के साथ ज़्यादा ताकतवर और सक्षम बनता जाता है। अभ्यास करने से आप के व्यवहार सीख सकते हैं या कोई भी आदत डाल सकते हैं जिसे आप वांछित या आवश्यक मानते हों। नई आदत डालने के 3 सूत्र। एकाग्रता और फोकस करने की आदत डालने के लिए आपको 3 मुख्य गुणों की जरूरत होती है जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। यह 3 गुण हैं, निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहले तो काम पूरा करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा, जो सिद्धांत आप सीखने जा रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वह स्वचालित ना बन जाएं। और तीसरा, आप जो भी करते हैं उसे संकल्प का पुट डालें जब तक कि आदत ना पड़ जाए और वह आपके व्यक्तिगत के स्थायी हिस्सा ना बन जाए। अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसा आप बनना चाहते हैं। एक खास तरीका अपनाकर आज ज़्यादा उत्पादक, प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति बनने की दिशा में तेजी से तरक्की कर सकते हैं। कर्म केंद्रित, फटाफट काम निपटाने वाले और एकाग्रित इंसान बनने के लिए आपको पुरस्कारों और लाभों के बारे में लगातार सोचते रहें। अपने बारे में यह धारणा रखें कि आप अपने महत्वपूर्ण काम फौरन और बहुत अच्छी तरह पूरे करते हैं। अपने बारे में आप जो मानसिक चित्र बनाते हैं उसका आपके व्यवहार पर बहुत असर होता है। अपनी कल्पनाओं को खुद से एक ऐसे शख्स के रूप में देखें जैसा आप भविष्य में बनना चाहते हैं। आपकी आत्म छवि मन ही मन खुद को देखने का तरीका काफ़ी हद तक आपके बाहरी प्रदर्शन को तय करती है। बाहरी जिंदगी के सभी सुधार
भीतरी सुझाव आपके मानसिक चित्रों से शुरू होते हैं। आप में नई योग्यताएं, आदतें और कुशलताएं सीखने तथा निखारने की लगभग असीमित क्षमता होती है। जब आप दोहराव और अभ्यास के जरिए टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम फौरन पूरे करने के लिए खुद को परीक्षित करते हैं, तो आप तेजी से एक्सीलेटर दबाकर अपने जीवन और करियर के दूरगामी राजमार्ग पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।